हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटर 85। जैसा कि आप सभी को पता है, रिपब्लिक डे काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उसके लिए हमने ना ही तो कोई फोटो एडिट किया है और ना ही कोई वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप AI की मदद से अपने लिए कुछ सोशल मीडिया ऐसे 3D फोटो कैसे बना सकते हैं, वो भी वन क्लिक में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको सर्च बार क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको लिखना है बिंग AI इमेज जनरेटर। आप ऐसा भी लिख सकते हो और बिंग इमेज क्रिएटर कुछ ऐसा भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने कुछ फ्रेंडली वेबसाइट मिल जाएगी तो आपको उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको जैसा भी फोटो बनाना है इस बॉक्स के अंदर टाइप कर देना, नीचे से भी कोई इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने पहले ही कॉपी कर लिया है तो मैं यहाँ से सीधा पेस्ट कर देता हूँ। अगर ये टेक्स्ट आपको चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, वहाँ से आप ले सकते हो। फिर ये आपको योर नेम दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ से कट कर देना है और आपको अपना नेम डाल देना है। आप अपना नेम डाल देने के बाद आपको यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे पहली बार फोटो बना रहे हो तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता तो ये वाला मेरे वीडियो इसको देखकर आप लॉगिन करना सीख जाओगे। जैसे ही आप लॉगिन करना सीख जाते हो उसके बाद आपके सामने थोड़ी प्रोसेसिंग चलेगी और आपके सामने आपके फोटो खुल के आ जाएंगे। हमारे सामने काफी सारे फोटो खुल के आ चुके हैं। जिसको भी आपको फोटो देखना, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना और ये फोटो खुल के आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको नेम में कुछ मिस्टेक है, अगर आप दूसरे का बनाना चाहते हो, प्रोसेस करने आपको नेम को कट करना है, वो दूसरे नाम लिख के आपको वापस क्रिएट पे क्लिक कर देना। इसी प्रोसेस के साथ आपके सारे फोटो खुल के आ जाएंगे। यहाँ से अगर आपको कोई अच्छा लगता हो तो उस पर क्लिक कर देना है। और यही रही बात डाउनलोड की, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे हो, उस पर क्लिक करना है, वापस डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आप डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी फोटो यहाँ से एडिट कर सकते हो।